आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे, फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमका कर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई, कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो, इतना ओवरलोड, खोलो खोलो कितने पैकेट हैं इसमें। और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे।
कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया, अरे भाई मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताज़ा। ठीक है मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताज़ा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा, तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी, उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था, राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया, अरे कुछ सीख ले या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया, राजू आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया, लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा, मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियां यहाँ से हटा दे जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी। राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे, वह बहुत गुस्से में थे। अरे हजूर क्या हुआ हजूर, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं। और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए।
और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। प्लीज सब्सक्राइब।